नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं न्यूज जागरूक भारत। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। जंतर मंतर से पहलवानों के टेंट उखाड़े जा रहे, नई संसद की ओर जाना चाहते थे, बैरिकेड्स लांगने पर पुलिस ने हिरासत में लिया। दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवान रविवार को नई संसद के सामने महिला महापंचायत में शामिल होने जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने इस महापंचायत की अनुमति नहीं दी है। नई संसद भवन की ओर जाते वक्त पहलवानों ने बैरिकेड्स लांगे, पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की और झड़प भी हुई। इस दौरान कई रेसलर को हिरासत में ले लिया गया है। पहलवान बजरंग पूनिया ने कहा कि क्या यह लोकतंत्र है, हम शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं और हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, हमें गोली मार दो। पूनिया ने कहा कि साक्षी मलिक को भी हिरासत में ले लिया गया है। महापंचायत में हरियाणा, यूपी और पंजाब समेत कई राज्यों के किसान शामिल होंगे। इसके चलते दिल्ली पुलिस ने सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी है। दिल्ली में दो मेट्रो स्टेशन के सभी एंट्री और एग्जिट गेट बंद कर दिए गए हैं। महिला महापंचायत नई संसद भवन के सामने दोपहर में होनी है। किसान नेता कुलदीप खरगड़ ने कहा कि जब तक ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक हरियाणा को सभी टोल को फ्री कर दिया गया है। हरियाणा पुलिस ने रविवार सुबह से ही किसानों और महिलाओं की घेराबंदी शुरू कर दी। हिसार, सोनीपत, पानीपत, रोहतक, जिंद और अम्बाला में खाप प्रतिनिधियों और किसान नेताओं को हिरासत में ले लिया गया है। अम्बाला में किसानों की पुलिस से झड़प हो गयी। रोहतक के सांपला में पुलिस ने महिलाओं को जबरन उठाकर हिरासत में लिया। कई नेता घरों में नजरबंद किए गए हैं। हरियाणा में सभी टोल प्लाजा पर पुलिस तैनात कर दी गई है। महापंचायत की ओर जाने वालों को हिरासत में ले लिया जा रहा है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं तरह से ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ जागरूक भारत।